और आज निशा दी की वजह से मेरा उल्टा सूट पहन लिया, इसलिए लेट भी हो गया। चेहरा पर खिल रहा है ना? कलर बाहर से भ्रमण कराया लेकिन कहीं घूम नहीं पाई बेचारी, अफसोस। लेकिन कल कल घूमेंगे। कैसा लगा यार गोलगप्पा ये बताइए? जगह घूमे कम है, पूरा जमशेदपुर घूम ली मैं कार से। गाड़ी में आज हम लोग बहुत कहीं जा रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा। किसी स्पेशल वन से मिलने जा रहे हैं, बहुत ही दिल की प्यारी जिगर से सामने बहुत उनसे हम लोग मिलने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, आप लोग बने रहिए ब्लॉग से, और बाकी आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलता रहेगा। बाय, आगे मिलते हैं। लेने चलो, बाय। इतने हड़बड़ी में थे कि सूट उल्टा पहन लिए थे। अच्छा था कि अच्छे टाइम में देख लिए। वो तो खुशी ने बताई कि तुम्हारा सूट उल्टा है। सही उल्टा पहन। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा हम चेंज किए। ये देखो ऊपर से निशा दी। और यहाँ पे निशा दी हमारा वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे वजह से ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो यहाँ पे फ्लाइंग किस दे रही है निशा दी और बोल रही बस दो मिनट में हम नीचे आते हैं। और आपको बता दें कि हम लोग भी बिहार से आज ही आए हुए थे, और स्पेशली निशा दी के लिए ही आए। जब निशा दी का कॉल आया कि तुम्हारे शहर आ रहे हैं, हमेशा बोलती हूँ। और यहाँ पे बहनों का मिलाप हो रहा है। कार अभी कल ही आया ना धुलाई में। ब्लॉक है। हाय गाइस। और आज निशा दी की वजह से मेरा उल्टा सूट पहन लिया, इसलिए लेट भी हो गया। भैया इसमें आ जाइए ना। भैया को बैठने बोल, इसको बुला दो। और इसे ले लेट भी हो गया। प्रणाम। अरे क्या हाल चाल। और फाइनली हम लोग सभी एक ही कार में बैठ गए थे, डिसाइड हो रहा था कि कहाँ घूमने चले। फाइनली हम लोग मिल लिए निशा दी से। खुशी दी, पहले चलते हैं टिकना लेने। उसके बाद डोबो, उसके बाद जा रहे घूमने। फिलहाल देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। मॉर्निंग से जाता है दलवा पहाड़ घूम लेते हैं। अभी जाने से ये चेहरा पर खिल रहा है कलर। श्वेता तो ऐसे सनमारी जैसे कोई लड़का छेड़ दिया हो। इसीलिए लेट लगा। वही कह रहे थे आऊंगी तो बताऊंगी। विधायक हम लोग भी बोल रहे हैं दो मिनट बोलेगी, दो मिनट में पहुंच जाएंगे। हम आधा वहां तक आगे फिर बोलोगे तुम बताओ कैसे आगे का पीछे पीछे का आगे बहन। और फाइनली हम लोग डिमना डैम पहुँचे प्लानिंग करने के बाद, क्योंकि हम दोनों थक चुके थे। दी का झारखंड में कंटिन्यू 4-5 प्रोग्राम था, और हमारा बिहार में कंटिन्यू मतलब 2-3 दिन प्रोग्राम था। और दीदी जब कॉल की कि आ रहे हैं, तो हम लोग का बिहार से आने का प्लानिंग नहीं था, लेकिन दीदी की वजह से आना पड़ा, क्योंकि बहुत बार वो आते थे लेकिन हम लोग मिल नहीं पाते थे। तो फाइनली ये हमारा एक प्लेस डिसाइड हुआ था, और बस हम लोग एक दूसरे के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते थे बस। और क्योंकि बहुत दिन बाद मतलब हम लोग मिले थे, और यहाँ पे भैया बता रहे थे कि और कहाँ चलेंगे हम लोग। आगे आप लोग बने रहिए। और दी घर पे बात कर रही थी, वो बता रही थी आंटी जी को कि हाँ अभी यहाँ पे आए हुए हैं, खुशी श्वेता के साथ घूम रहे हैं। और सबसे मेन बात था कि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। अगर जमशेदपुर में आप लोगों को घूमना है तो पहले से टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि बोला जाए तो बस हम लोग इवनिंग वॉक कर रहे थे। हाँ, क्योंकि बोटिंग जो होता है उसका भी टाइमिंग क्लोज हो चुका था, तो बस दीदी को हम लोग इधर उधर शेयर करा रहे थे, बस ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे। और यहाँ पे बस ऐसे नॉर्मल बात हो रहा था, आगे वीडियो शूट हो रहा था, और कॉम्बिनेशन देख के तो एक ही गाना याद आता है, बड़े मियाँ बड़े मियाँ।
छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और जल्दी जल्दी आप लोग हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा ब्लॉग वहीं पे आएगा। और मेरा वीडियो कोई शूट कर नहीं देता, क्योंकि वीडियो शूट करने वाले हम ही होते हैं, तो बीच बीच में अपना ही भी थोड़ा सा ले लेते हैं। और यहाँ का देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे बोटिंग का टाइम खत्म हो गया, तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं नीको पार्क। और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से सब बंद है। और ये जितना भी ब्लॉग्स आएगा वो हमारे नए चैनल जिसका नाम है खुशी श्वेता तिवारी ब्लॉग, उसी पे आएगा। तो आप लोग जितने लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जल्दी जल्दी जा। जमशेदपुर में किसी भी प्लेस पे घूमना होता है तो पूरा दिन लग ही जाता है, और हम लोग वैसे आधा टाइम पार करके ही निकले थे। यहाँ पर खुशी थी, वो मछली देख रही थी। हम लोग का नेक्स्ट प्लानिंग हो रहा था कि कहाँ घूमें, क्योंकि नेक्स्ट डे दीदी का ही यहाँ पर प्रोग्राम था, निशा दी का। और यहाँ पे मछली बहुत बड़ा था, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा मछली देखे। निशा जी तो बोल रही थी हम पहली बार देखे, वो भी मछली ऐसे पकड़ते हुए। उनको दया आ रहा था कि कैसे ये पकड़ लिए हैं, इसे काट देते होंगे, यही सब बात चल रहा था। फिर हम लोग देख रहे थे मछली कैसा है, अजीब ही लग रहा था, थोड़ा मज़ा ले रहे थे बस। निशा जी बोल रही थी इसे वापस जा के छोड़ दीजिए, वो हमें बता रहे थे ये कौन सा मछली है, ये डैम मछली होता है ऐसा वैसा। और टिंकू भैया को घिनना आ रहा था शायद, बोल रहे थे यार कोई देखेगा तो बोलेगा कि इन लोग मछली खरीद रही हैं। लेकिन हालांकि हम लोग मछली देख रहे थे कि कितनी बड़ी मछली है, तो दिखा रहा था, उसे लग रहा था हम लोग खरीदने वाले। हेलो दोस्तों, हम लोग आज मिनी पार्टी कर रहे हैं। आज निशा देखो पूरा कार से भ्रमण कराया, लेकिन कहीं घूम नहीं पाई बेचारी, अफसोस। लेकिन कल घूमेंगे। हाँ कल हम लोग पूरा घूमेंगे, और अभी हम लोग मिनी पार्टी कर रहे हैं। लोग लॉन्ग पार्टी करते हैं, लोग मिनी पार्टी कर रहे हैं, इसलिए मिनी पिज्जा खा रहे हैं। मिनी पिज्जा खा रहे हैं, और ये सैंडविच है। हेलो, हम रेडी हो जाएंगे, ज्यादा रुकेंगे नहीं, तुरंत नीचे से ही चल। और नेक्स्ट हमारा प्लानिंग था नीको पार्क जाने का, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, रात हो चुका, सब लोग थक चुके थे। और फिर हम लोग यहाँ पे घर पे पहुँचे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा प्लानिंग था दादी घर जाने का, जो पटमदा में है, तो वहाँ पे निशादी को घुमाना था। निशादी भी बोली, तो यहाँ पे पापा से निशादी लोग मिल ली, उसके बाद फिर मम्मी भी नीचे आ गई थी, और हम लोग फिर नेक्स्ट अपने दादी घर जाने वाले थे, रात हो चुका था। और ऊपर इसलिए नहीं ले गए क्योंकि तुरंत ही निकलना था, तो बेचारी थक जाती, थर्ड फ्लोर पे जाती फिर उतरती, क्योंकि निकल ही रहे थे हम लोग, पूरा रेडी थे। आरुषी भी आ गई थी, और सब लोग हम लोग निकलने वाले थे। यहाँ मम्मी बहुत ही प्यार से मिल रही, माँ बेटी का मिलाप हो रहा, वाह क्या बात है, क्या प्यार है। और फिर भाभी से मजाक करी थी कि इससे मुझे भी टान लीजिए ऊपर, भाभी चाबी लटकाई थी, तो निशा दी बोली थी मैं भी आ जाऊँ क्या इससे, तो बोले आ जाइए। और चलिए अब फाइनली हम लोग निकलेंगे यहाँ से दादी घर। बहुत मज़ा किए, मतलब मज़ा बहुत बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था ना कि फर्स्ट टाइम, दी से हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं मिले थे, ये सेकंड थर्ड टाइम था, लेकिन इतना लंबा टाइम स्पेंड करेंगे। और एक अपनापन, सबसे बड़ी बात है कि जो अपनापन लगना चाहिए वो अपनापन लग रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, या मतलब किसी टाइप का हिचकिचाहट, हेजिटेशन, ऐसा नहीं लग रहा था। इधर ही था ना लाइट। हाँ आज निशा भी हमारी गली में, हमारे शहर के गली में, आज हम लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। मस्ती तो कर रहे, कहीं घूमे नहीं, बस कार में ही जगह घूमे कम है, पूरा जमशेदपुर घूम ली मैं कार। हाँ गाड़ी में बैठे बैठे घूम ली, लेकिन कोई जगह नहीं बता सकती मैं कहाँ कहाँ घूमी, लेकिन सब जगह घूम ली। कल अच्छे से घूमना होगा प्रोग्राम के बाद, कल जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद से फिर हम घुमा घूमी करेंगे, घूम घूम के इतना थक जाएंगे कि बाद में कहेंगे वो हम नहीं घूमना। आ जाओ, अच्छा यहीं रुक कर। चलो
तो हम लोग दादे घर पहुंच चुके थे और यहाँ माँ बेटे का कुछ आपस में बात चल रहा था। निशा दी भी चाह रही थी मम्मी से बात करना, वो बार बार बोल रही थी कि चलो आंटी से बात करेंगे। और एक बात बहुत खास बताने वाले हैं कि निशा दी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन होता ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, मतलब इतना ज्यादा शांत इलाका होगा। उनको लगा था कि शांत इलाका ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ही शांत इलाका में पहुंच गया था, जहाँ दूर दूर तक लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं था, कोई संपर्क ही नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून सा ये प्लेस है। रात में और हमारा जन्म भी यहाँ ही हुआ था, हमारा पटमदा में हमारा जन्म भूमि यही है। निशा दी भी घूम रही थी यहाँ पे, उसके बाद अब नेक्स्ट डे का ब्लॉग। चेहरा तो इतना सुंदर लग रहा है कुछ करने करें, इतना सुंदर कोई होगा? कोई नहीं है, इतने सुंदर है ना हम लोग कि क्या बोले। दीदी का रात में डर नहीं लगा था। हेलो गाइस, सेकंड डे, ये गाना बड़े झको मारे झूला ने आया है। पूरा चेहरा खुला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना हम। और यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड आ रहा था, इसलिए यहाँ पे हमको वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ पे ये बोल रहे थे कि अगर आपके शहर में कोई आया है तो ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका ड्यूटी है कि आप उनका सम्मान करें, आदर करें, उनके लिए टाइम निकालें, समय निकालें और ये हमारा टाइम स्पेंड करें। तो ये हमारा दूसरा दिन था जिस गाना पे आरुषि डांस कर रही है। गाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फेवरेट था, लेकिन यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा, नहीं कर सकते थे क्योंकि सारी लहराए झकोर मारे झूलने, बहुत ट्रेंडिंग झकोर मारे झूलने, सारी लहराए झकोर मारे झूलने। और इस गाने से तो मुझे बस वही जो लगातार हम लोग प्रोग्राम किए थे ना, नहीं कटारी कटारी वाला कटारी प्रोग्राम, और सारा सारा छोटू भाई नालंदा, सारा वही प्रोग्राम याद आ रहा है। पूरे रास्ता हम लोग ये गीत सुनते, जो चेहरा का जो थोबड़ा हर ब्लॉग में बोलते है ना, मेरा कुछ ज्यादा ही बन जाता है। ये सब प्रोग्राम का कमाल था, पूरी कंटिन्यू जगने का कमाल था रात रात भर। सच में जब लगन होता है तो जब प्रोग्राम रहता है तो कंटिन्यू प्रोग्राम रहता है, मतलब एक दिन का भी चैन नहीं मिलता है। और यहाँ पे श्रुति दी का आईब्रो बना रही थी और हम लोग पहुँच चुके थे, आपको बता दे कि, और हम अभी खाना खा रहे, शायद लाए थे दी के लिए खाना और हम ही खाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दीदी खाना खाने के बाद अपना आईब्रो बनवा रही थी और मैं खाना खा रही थी बाद में, सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं भी जल्दी जल्दी बना के और खाना खाने का मौका नहीं मिला था, डायरेक्ट निकल गए थे। और लगातार दो दिन में तो लग ही नहीं रहा था कि टाइम मिल पा रहा है, एकदम बस घूमी घूमी हो रहा था। किससे बात कर रहे थे? सबसे पहले ये क्या कुछ कर रहे हैं इस आदेश सोशल सम्मान बातचीत के लिए? पहले तो आपको भी प्रणाम है और साथ ही साथ हमारे प्यारे जनता जनार्दन जो भी भोजपुरी गाने से प्यार करते हैं, जो विशा से प्यार करते हैं, आप सबको मेरा प्रणाम है। आज क्या कुछ कहेंगे खास करके भोजपुरी के बारे में? सबसे पहले पहली बात तो आज मेरा पहला कार्यक्रम है इस जमशेदपुर टाटा में। झारखण्ड का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहाँ पे मैं नहीं आई हूँ, और मेरे बहुत सारे यहाँ चाहने वाले लोग भी हैं, लेकिन मेरा टाटा का कभी कार्यक्रम संपन्न हो ही नहीं पाता था। अच्छा। क्योंकि जब भी कार्यक्रम होती थी यहाँ चार साल से लोग हमको बुलाना चाहते थे, लेकिन हमेशा जैसे कि मैं हमेशा तीसों दिन कार्यक्रम रहता मेरा कंटिन्यू में, तो कभी डेट खाली नहीं रहती थी और या इस कार्यक्रम का डेट। भोजपुरी के लोग हैं वाकई, यहाँ पे कार्यक्रम हमेशा बहुत चलता है और यहाँ के लोग सुनते भी अपने भोजपुरी को, लेकिन बस वही नहीं इकाई थी और सबका चाहत भी था कि मैं आऊँ, और बहुत कोशिश करते थे यहाँ के लोग हमेशा। और जिस कार्यक्रम में आज आई हूँ तो राजीव चौहान जी जो कार्यक्रम के दूसरा आए है, पता नहीं क्या लाइन में बोल रहे, एक और भी और यहाँ पे कंटिन्यू निशा दी से सभी लोग मिलने के लिए आ रहे थे। तो निशा दी रेडी, मतलब अभी फुल रेडी नहीं हुई थी, अभी बस हाफ रेडी में ही सब लोग आ जा रहे थे। तो चाहने वाले लोग हैं कि निशा दी को टाइम ही नहीं मिल रहा था, आधा मेकअप कर रही थी तब तक कोई ना कोई आ जा रहा था, एक आंटी तो हाँ। लेकिन निशा दी का खास चीज ये लगता है कि बहुत डाउन टू कम्फर्टेबल, ये निशा दी का फाइनल लुक, रेडी, ऑल सेट रेडी फॉर स्टेज शो। और कैसे लग रही है आप लोग कमेंट कीजिएगा।
दीदी का खुद का क्रिएशन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। खुशी एंड श्वेता अब तारीफ करेंगे जनता। हाँ, वीडियो जाने के बाद, अपलोड होने के बाद आगे से लोग दिखेंगे। और जो पूरा डिजाइन जो जो भी सारा कुछ था वो सारा निशा दिखा। बहुत अच्छा लग रहा है ये जो है ना स्टेज की, ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है आपका। ये ना शादी रेडी हो चुकी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगा। और बहुत प्यारी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा है, तो लंबी है नहीं शादी थोड़ा। हाँ लंबी है, हाई फोटो है हम लोग। ध्यान रखना रहना चाहिए था मुझे, लेकिन हम लोग भगवान ने तो ज्यादा ही बना दिया। यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे हैं दी का, स्टेज पे जाएगी और उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। और यहाँ पे निशा दी सभी लोग मिलने के लिए आए हुए थे, जब निशा दी स्टेज पे नहीं चढ़ी थी उसके पहले। निशा दी हम लोग को भी बोल रही थी कि 5 मिनट ही तुम लोग रुकना, तुम लोग देख के जाना, क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट डे हम लोग को भी बिहार निकलना था, शूटिंग था हमारा, तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन दीदी बोली कि नहीं तुम लोग वहाँ पे बस 5 मिनट देख लेना, आगे आप लोग देखिए। और इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे हम लोग भी गा रहे थे, गाने का रीज़न ये था कि हम लोग दीदी के फोर्स करने के बाद बस 5 मिनट देखने के लिए गया था, और वहाँ पे मंच संचालक मुकेश जी, गोलू राजा भैया, वो लोग आए हुए थे, निशा दी, सभी लोग फोर्स करने लगे स्टेज पे आने के लिए। हम लोग इशारा भी की कि दीदी वैसा गेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी दी बुला ली, तो मना करना भी खराब लग रहा था। तुम लोग नहीं आओगी तो फिर हम लोग को जाना पड़ा। और ये वाला वीडियो क्लिप हम लोग बाद में ऐड किए, दीदी गोलगप्पा खा रहे थे। जमशेदपुर का फेमस है पानीपुरी,